हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अच्छा वैकेंसी निकल के आ रहा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का। तो हम लोग बात करते हैं हर एक वाइज ब्रांच वाइज यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे है मैकेनिकल का 51 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर यहाँ क्वालिफिकेशन का हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हैं तो फुल टाइम आपको रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे कंप्लीट 1 ईयर आपका ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप यहाँ सिर्फ मांगा गया है। अब यहाँ पे हम लोग नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे बोला गया है कि द कैंडिडेट विथ HSC साइंस एंड डायरेक्ट एडमिशन टू सेकेंड ईयर, यानी कि जो भी कैंडिडेट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे बोला गया है और कि आपका मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे 55% यहाँ पे आपका मार्क्स होना चाहिए डिग्री में। और इसके बाद यहाँ पे अगर अपर एज लिमिट की बात करें तो आपका यहाँ पे 31 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिटेड रखा गया है, और OBC कैटेगरी 34 यहाँ पे रखा गया है। ST ST SC ST 36 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। इसी तरह से यहाँ पे हम अगर बात कर लेते हैं कि एक्सपीरियंस ऑन 1/3/2022 से यहाँ पर एक्सपीरियंस कुछ मांगा गया है यहाँ पे कि द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस परफॉर्मेबल इन द फर्टिलाइजर या केमिकल इंडस्ट्री में। आपका 2 ईयर यहाँ पे मस्ट होना ही चाहिए। या और यहाँ पे बोला गया है एक्सपीरियंस शुड बी आफ्टर एस्क्यूरिंग एबव प्रिसीजन क्वालिफिकेशन पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इंक्लूड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल नॉट बी कंसिडर। यानी कि आपका यहाँ 2 ईयर्स यहाँ पे आपका पहले तो एक्सपीरियंस मांगा गया है और साथ में 1 ईयर यहाँ आपका अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए। यानी कि कहा गया है यहाँ पे टोटल 3 वर्ष आपका अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्राइटेरिया को अगर आप फिलफुल करते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे और बोला गया है कि अगर आप 4 साल का भी डिप्लोमा होता है और 4 साल का डिप्लोमा किए हैं तो वो भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे बात कर रहे थे, इन लोग का भी यहाँ पे 4 साल जो डिप्लोमा किए उन लोग का भी 2 साल यहाँ पे मस्ट है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अप्रेंटिसशिप साथ में होना चाहिए, जो उसका भी 2 साल आपका एक्सपीरियंस प्लस 1 साल अप्रेंटिस, यानी कि 3 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अगला वैकेंसी यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो यहाँ 32 वैकेंसी यहाँ पे है। ये जितना भी है A6 ग्रेड का यहाँ पे आपको 22,000 से लेके 60,000 रुपया पेमेंट, यानी कि लगभग 41,000 आपका पेमेंट बनने वाला है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के भी फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए, और जिस तरह से मैकेनिकल का क्राइटेरिया है उसी तरह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल का क्राइटेरिया रखा गया है। इसी तरह से हम नीचे बात कर लेते हैं और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन के, तो इंस्ट्रूमेंटेशन के यहाँ पे 28 सीट निकाला गया है, और इसी तरह से यहाँ पे आपका 3 ईयर यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे 3 ईयर BSc फिजिक्स और डिग्री विथ केमिकल सब्जेक्ट यहाँ पे मांगा गया है। तो इसी तरह क्राइटेरिया यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा लंबा PDF है आपका, 26 पेज का PDF है। तो आप यहाँ पे PDF हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका 4 ईयर डिप्लोमा एलिजिबल है, बट वही है कंडीशन कि आपका 2 ईयर्स मिनिमम यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्लस 1 ईयर का यहाँ पे आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं इसका कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें पढ़ लीजिएगा, आप जो भी एक दिया हुआ है आप अपना पढ़ लीजिएगा। मेन मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ दिया गया है आपका कि डेट ऑफ रिकॉग्निशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर डेट रखा गया है 1/3/2022 आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, कट ऑफ डेट यहाँ पे रखा गया है। अगर अप्लीकेशन फ़ी के बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो नॉन रिफंडेबल फीस 700 रुपये है, प्लस यहाँ पे बैंक चार्ज यहाँ पे आपका GST ऑन पोस्ट अनग्राउंड कैटेगरी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। अब इसी तरह से हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नीचे कि नेचर ऑफ जॉब क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे जॉब रिक्वायर वर्किंग इन रोटेटिंग शाफ्ट इंक्लूड नाइट शिफ्ट एंड द सिलेक्ट कैंडिडेट मे बी पोस्टेड इन एनी प्लांट। यानी कि आप अगर इस पर सिलेक्शन हो जाता है तो आप किसी भी प्लांट में आपको यहाँ पे जॉब प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही यहाँ पे आपका नाइट शिफ्ट भी लगेगा। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं फुलफिल क्राइटेरिया क्या क्या है। इसके बाद यहाँ पे और बताया गया है सैलरी क्या आपका रहने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलाउंस वगैरह मिलाकर यहाँ पे टोटल 41,888 रुपये आपका अप्रोक्सीमेट पेमेंट बनने वाला है, यानी कि यहाँ सैलरी अच्छा खासा आपको मिलने वाला है। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन प्लस ट्रेड टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट में आपके आपका मुंबई एंड नागपुर में यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सिटी यहाँ पे एग्ज़ाम वहीं पे कंडक्ट किया जाएगा, मुंबई एंड नागपुर में।
यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं कि मीडियम ऑफ टेस्ट क्या क्या रहेगा, तो मराठी यहाँ पे है, हिंदी है और इंग्लिश है, ठीक है, राजभाषा। इसके बाद यहाँ पे और ये सब पढ़ लीजिएगा अपना क्राइटेरिया। अब यहाँ पे हम लोग नीचे बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल लेट, यहाँ पे आप सब पढ़ सकते हैं सब क्या क्या है से। इसके बाद यहाँ पे ट्रेड टेस्ट की बात कर लेते हैं कि ट्रेड टेस्ट में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन का यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ट्रेड टेस्ट यहाँ क्या कहा गया है कि एक सीट के लिए आपका 2 एलिजिबिलिटी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, एक सीट पर 2 को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्या बताया गया है। तो फाइनल सिलेक्शन आपका जो होने वाला है यहाँ पे ऑन द एग्जाम बेसिस पे जो होगा, ट्रेड टेस्ट यहाँ पे सिर्फ क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग नेचर है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो आपका टोटल से नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट है। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड करके पढ़ सकते हैं ये सब क्या क्या दिया हुआ है। थोड़ा अगर ज़्यादा बनाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से अप्लाई किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपका 21/3/2022 से लेकर 4/4/2022 तक यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन अप्लाई का फॉर्म का लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, काफ़ी बड़ा PDF है। तो रफली यहाँ पे हम आप लोग के बता चुके हैं। तो हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।